रॉयल इनफील्ड हिमालयन का क्या हुआ और हमने न्यू ड्यूक 390 2017 मॉडल क्यों लिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। फ्रेंड्स, आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो मैंने आपकी कमेंट्स पे चूज़ किया है। जैसे लास्ट टू वीडियोस में मुझे कंटिन्यूअसली पूछा जा रहा है कि मैंने हिमालयन का क्या किया एंड ड्यूक 390 मैंने क्यों ली, 2017 ड्यूक 390 मॉडल ही क्यों चूज़ किया। तो हम पहले हिमालयन के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो बात छेड़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल सच में अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमारे लिए एक मोटिवेशन बनता है। तो चलो हम हिमालयन के बारे में बात करते हैं। पहले, हिमालयन एक अच्छी बाइक है और जो भी हिमालयन लेना चाहते हैं तो मैं उनको यही कहूँगा कि आप खुद जाइए वहाँ पे टेस्ट राइड कीजिए, क्योंकि अभी तो आई थिंक BS4 लॉन्च हुआ है, BS4 में थोड़े चेंजेस है। तो आप खुद वहाँ पे जाइए, टेस्ट राइड लीजिए और आपको उसका परफॉर्मेंस, उसकी ब्रेकिंग, उसकी हैंडलिंग कैसी लगती है आप डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा है कि आप अगर किसी का रिव्यू देख के ले रहे हो तो मैं आपको फ्रैंकली यही कहूँगा कि कौन सी भी बाइक 50 और 100 किलोमीटर के राइड में पता नहीं चलता है कि कैसी है और क्या है, और आपकी खुद की टेस्ट दूसरा कोई कैसे बता सकता है ना। इसलिए तो हमने हिमालयन सेल कर दी है। और हमने हिमालयन क्यों सेल की, तो उसका एक ही रीज़न है, उसके ब्रेक्स, उसमें ABS नहीं है। और हमें ऐसा फील हुआ कि लॉन्ग रन के लिए ABS की बहुत ज़्यादा नीड है, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि हमारे सिटीज़ में और विलेजेस में ऐसी सिचुएशन हज़ार बार आती है कि सामने कोई ना कोई आ जाता है और हमें हार्ड ब्रेकिंग अप्लाई करनी पड़ती है। और ऐसे में अगर हमें अपने ब्रेकिंग पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो फ्रेंड्स, हम उतनी कॉन्फिडेंटली राइड नहीं कर पाएंगे। तो और कोई हिमालयन में, मेरे हिमालयन में तो इशू नहीं था। अभी मैं बहुत से यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ कि कोई कहता है कि मेरी हिमालयन ब्रेकडाउन हो गई, कोई कहता है कि मुझे ऑयल लीकेज का इशू हो रहा है। मुझे स्टार्टिंग में इशू हो गए थे, लेकिन जब भी मेरी हिमालयन अपग्रेड करके दे दी उन्होंने, कुछ छोटे मोटे इशू सॉर्ट आउट करके दे दिया, उसके बाद मुझे कुछ इशू नहीं थे। तो अभी न्यू हिमालयन में तो गारंटेड और अपग्रेडेशन आया होगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि मैंने हिमालयन सेल करने का रीज़न सिर्फ ABS था। और क्यों, मतलब इतनी मुझे नीड क्यों थी ABS की, तो वो रीज़न यही है कि मैं मेरी एक राइड में तारकरली से मुंबई आ रहा था और वहाँ पे मैं हाईवे पे अराउंड 110 के स्पीड पे था। तो तभी एक डॉगी बीच में आया था। तो जैसे ही वो डॉगी बीच में आया और मैंने हार्ड ब्रेकिंग की, कॉमन है, डिस्टेंस बहुत कम था तो मैंने हार्ड ब्रेकिंग की, मेरा टायर स्लिप हुआ। लकीली मुझे कुछ हुआ नहीं और बाइक मैंने कंट्रोल की, लेकिन हर बार ऐसे नहीं हो सकता। तो तभी से मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था हिमालयन के ब्रेकिंग के बारे में, इसलिए मैंने हिमालयन सेल की। अभी नेक्स्ट है कि मैंने 2017 ड्यूक 390 क्यों ली। सबसे मेन थिंग मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि मैंने जितना रिसर्च किया था कि मुझे बाइक चाहिए जिसमें ABS है, जिसका इंजन पावरफुल है, और सबसे मेन थिंग कि जिस बाइक के इंडिया में बहुत सारे सर्विस सेंटर हैं और कहाँ भी बाइक ब्रेकडाउन होती है तो मैं आराम से उस सर्विस सेंटर में पहुँच के छोटा मोटा कुछ भी रहेगा मैं करवा के ले सकता हूँ। ये सबसे मेन पॉइंट है। अगर ये पॉइंट से देखने जाए तो इंडिया में रॉयल एनफील्ड, बजाज और उसके बाद आई थिंक KTM, इनके सर्विस सेंटर बहुत ज़्यादा है। तो KTM लेने का डिसीजन यही था कि उसमें मुझे ABS मिल रहा है, इंजन को बताने की ज़रूरत नहीं कि 390 का इंजन कैसा है, पावरफुल इंजन है। हाँ, सिटी कम्यूट के लिए थोड़ा तकलीफ देता है, लेकिन अगर हाईवे में हमें इतना मज़ा दे रही है बाइक तो हम सिटी के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद का पॉइंट आता है कि उसके स्पेयर पार्ट, तो KTM के स्पेयर पार्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है और उसके स्पेयर पार्ट की कॉस्टिंग बहुत कम है अगर क्वालिटी से कंपेयर करने जाए, क्योंकि उसकी फ्री सर्विसिंग होती है अराउंड 1600-700 रुपीज़, और पेड सर्विस अगर आप करने जाओ तो उसकी 2500-600 के बीच में हो जाती है। अगर यही हम रॉयल एनफील्ड के सर्विस से कंपेयर करें तो रॉयल एनफील्ड की सर्विस, फ्री सर्विस होती है अराउंड 1300-400, कभी कभी तो 1500 भी हो जाती है, एंड पेड सर्विस हमारी हो जाती है अराउंड 2800-3000। तो कंपेयर करने जाए तो रॉयल एनफील्ड से भी हमें सर्विस सस्ती मिलती है। और सबसे मेन थिंग जो टूरिंग के लिए चाहिए ही चाहिए, सर्विस इंटरवल बड़ा,
तो KTM का फर्स्ट सर्विस होता है 1000 पे, 390 का बता रहा हूँ, फर्स्ट सर्विस होता है 1000 पे, सेकंड सर्विस 7500 का इंटरवल है, मीन्स होता है 8500 पे, तो एक लॉन्ग रन के लिए ये परफेक्ट है इतना सर्विस इंटरवल होना। चेन स्प्रॉकेट की कॉस्ट भी अराउंड 3000 रुपीज़ के आसपास कुछ तो है, मुझे कन्फर्म नहीं बताया लेकिन उतनी ही है, तो कॉस्टिंग वाइज स्पेयर पार्ट कॉस्टिंग वाइज बहुत सस्ती है। तो ये बात हो गई KTM की। आई होप कि आपको हमारे दोनों आंसर एग्जैक्टली समझ आए होंगे कि हमने रॉयल एनफील्ड हिमालयन क्यों सेल की और ड्यूक 390 क्यों परचेस की। तो फ्रेंड्स हमारे आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अभी बाहर सभी जगह पे बारिश चालू है तो मैं कहना चाहूँगा कि आप प्रॉपर सेफ्टी गेयर यूज़ कीजिए और बारिश में संभाल के बाइक चलाइए। राइड सेफ फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।